हल्द्वानी में श्री राम मंदिर अयोध्या से प्राण प्रतिष्ठा के प्रथम चरण में आए पूजित अक्षत कलश पहुंचने पर लोगों में खासा उत्साह दिखा है। बता दें कि अयोध्या में बन रही राम मंदिर को लेकर लोगों में उत्साह का साफ माहौल नजर आ रहा है, जिसको लेकर शहर में भव्य अक्षत कलश यात्रा निकाली जा रही है, जहां महिलाएं पारंपरिक परिधानों में सज धज कर कलश यात्रा में शामिल हो रही हैं। वहीं भगवा झंडा थामे उत्साही लोगों ने जय श्री राम के जयकारों से वातावरण को गुंजायमान कर दिया। हल्द्वानी से दीपक अधिकारी की रिपोर्ट। महिलाओं में बहुत ही उत्साह है, पूरे भारत में बहुत उत्साह है। 500 साल से रामलला जो है त्रिपाल के नीचे थे, अब रामलला 22 जनवरी को उनकी रैलियां निकाल रहे हैं। कहीं रामायण के सुंदरकांड का पाठ किया जा रहा है, रैली के में सनातन धर्म को हमने आगे बढ़ाना। जैसे अयोध्या में राम मंदिर बन रहा है, हम सब उसका सम्मान करते हैं, बोलते हैं। वहीं अयोध्या से अक्सर आ रहे हैं, जो कि हम लोगों ने अपने त्रिमूर्ति मंदिर से लेके हम दूसरे अपने गांव के ही मंदिर। महिलाओं में काफ़ी उत्साह है, इन लोगों ने बढ़ चढ़ के हिस्सा ले रखा है। ये राम के नाम से काफ़ी मतलब बहुत उत्साहित है, ताकि हर चीज़ के लिए महिलाएं आगे बढ़ें। और जो हमारे यहाँ पर सबसे पहले मीडिया बंधु आए हैं, इनका तहे दिल से हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूँ। तो राम मंदिर, ये तो हमारा राम मंदिर जो है अयोध्या में 500 साल पहले जो बाबरी मस्जिद वहाँ पर बनाई गई थी, वहाँ पर हमारे जो भी यहाँ पर कोर्ट से आदेश मिला उसके अनुसार वहाँ पर अयोध्या में राम मंदिर का निर्माण किया गया। 5 अगस्त 2020 का वो शुभ दिन था जब इस देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी ने राम मंदिर के उद्घाटन का, हमारे साधु संतों के प्रयासों से उसका उद्घाटन हुआ। और 22 जनवरी 2020 का वो दिन है, इस देश की हजारों हजार साल से, लगभग 500 वर्षों से हमारी पीढ़ियों ने जिसके लिए संघर्ष किया और रामलला को टेंट में रहने को मजबूर हुआ, आज वो शुभ दिन आ गया है।